सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डीसी यूनिवर्स की तरफ से रिलीज किया गया एक शो जिसका नाम है टाइटन। तो मैं इस वीडियो में आपको टाइटन के पहले सीजन के पहले एपिसोड की पूरी डिटेल दूंगा कि फर्स्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ था। उसके बाद अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आया तो मैं जल्द से जल्द इसके बाकी के एपिसोड भी कम्प्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। तो एपिसोड वन के स्टार्ट में हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो और कोई नहीं बल्कि रेचल है, और देखकर ऐसा लग रहा है कि रेचल काफी परेशान है और वह सर्कस के अंदर आगे बढ़ती जा रही है। और अचानक से उस सर्कस की लाइट जलती है और हमें वहां पर दिखाई जाती है ग्रेसन फैमिली जो स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है कि अचानक डिक के पेरेंट्स जिस रस्सी से स्टंट परफॉर्म कर रहे थे वो रस्सी टूट जाती है और वो दोनों सीधे जमीन पर जा गिरते हैं। और उतने में ही रेचल की आंख खुल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि रेचल असल में सपना देख रही थी। रेचल के पास उसकी माँ भाग कर आती है और उसे शांत करवाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक सपना है। और फिर रेचल की माँ उसे शांत कर बेडरूम से बाहर चली जाती है, जिसके बाद रेचल कहती है कि दरवाजा खुला रखना। और फिर हमें जब दरवाजा दिखाया जाता है तो दरवाजे पर काफी सारे क्रॉस लगे होते हैं। और फिर शुरू होता है ये एपिसोड जहाँ पर हमें दिखाया जाता है डिक ग्रेसन जो एक कार में बैठकर कुछ तस्वीरें देख रहा है एक लड़की की, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर अपनी कार के सीट पर रखे ब्रीफकेस पर नजर डालता है और फिर उससे नजर हटाकर वो सीधे ऑफिस में बढ़ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में डिक ग्रेसन एक पुलिस ऑफिसर है और अब उसके साथ एक नई पार्टनर ज्वाइन हो रही है जिसका नाम है एनी रोबर्ट। लेकिन यहाँ पर डिक ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उसे अपना पार्टनर बनाने में और वो उसे एक हिसाब से इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर दूसरा ऑफिसर आकर एनी को ये बताता है कि डिक ऐसा ही है और डिक की अपने पार्टनरों से कभी नहीं जमती। और फिर हमें दिखाया जाता है रेचल का घर जहाँ पर आम सुबह की तरह ही रेचल की माँ उठकर खुद की दवाई लेती है। लेकिन अजीब चीज हमें वहाँ पर तब नजर आती है जब हम रेचल की माँ के आंग पर कुछ नाखूनों के निशान देखते हैं जो काफी अजीब थे। खैर उसके बाद दिखाया जाता है कि रेचल स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है और वो नाश्ता करने बैठी है। इतने में वहाँ पर रेचल की माँ आती है जो काम के लिए लेट हो गई है और टेंशन के चलते उसने राशन भी नहीं लाया है, जिसके बाद रेचल अपनी माँ से पूछती है कि तुम मुझसे डरती हो, जिसके बाद रेचल की माँ उससे कहती है कि वो अपनी बेटी से नहीं डरती। और फिर रेचल कहती है कि वो डर महसूस कर सकती है और हम डाइनिंग टेबल के आईने में रेचल का एक डार्क साइड देखते हैं, जिसके बाद रेचल की माँ आकर रेचल का हाथ पकड़कर उससे प्रे करने के लिए कहती है। लेकिन रेचल यहाँ पर सच जानना चाहती है कि असल में उसके साथ हुआ क्या था, जिसके बाद रेचल का एक अलग ही रूप हमारे सामने आता है जिससे उसकी माँ पूरी तरीके से डर जाती है। और इस सिचुएशन को देखते हुए रेचल सीधे स्कूल की तरफ बढ़ती है, लेकिन बस में भी सिचुएशन सही नहीं है और एक लड़का रेचल को वहाँ पर बुली भी करता है, जिसके बाद दूसरा लड़का आगे आकर रेचल का सपोर्ट करता है और उन दोनों के बीच छोटा मोटा झगड़ा होता है, जिसके बाद ड्राइवर बीच में आकर उन दोनों को रोक देता है। और उसके बाद यही चीज चलती है, जिसके बाद स्कूल खत्म होता है और रेचल अपने घर की तरफ आती है, जिसके बाद घर में वो देखती है कि उसकी माँ को किसी दूसरे इंसान ने पकड़ रखा है जो चाहता है कि रेचल उसके साथ चले। लेकिन यहाँ पर रेचल की माँ रेचल को भागने के लिए कहती है और उस आदमी के ज्यादा फोर्स करने पर रेचल की माँ उसे ये बताती है कि वो असल में उसकी असली माँ नहीं है, लेकिन वो अब भी उसे काफी प्यार करती है। इतना कहते ही वो इंसान रेचल की माँ को मार देता है और रेचल ये देखकर पूरी तरीके से पागल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद उसके अंदर का वो डार्क रूप आकर उस इंसान को दूर फेंक देता है। और मौका देखते ही रेचल वहाँ से भाग जाती है और फिर सीधे सीन बढ़ता है डिक ग्रेसन की तरफ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिक के पास उसी लड़की की फाइल है जिस फाइल के दूसरे पेज पर एक क्रिमिनल का फोटो है जिसने उस लड़की को मारा होगा। उसके बाद डिक अपने सूटकेस की तरफ देखकर ये डिसाइड कर लेता है कि उसे आगे क्या करना है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी क्रिमिनल्स आपस में मिलकर ड्रग्स का सौदा करने आए हैं। लेकिन अब वहाँ पर डिक रॉबिन बनकर पहुँच गया है और उन क्रिमिनल्स को लगता है कि उसके साथ बैटमैन भी आया है। फिर उन लोगों को एहसास होता है कि रॉबिन वहाँ पर अकेला है, लेकिन अकेला रॉबिन उन सब पर भारी पड़ता है और एक एक को काफी बुरी तरीके से मारता है, जिसके बाद जब ये लड़ाई खत्म होती है तो डिक वहाँ पर कहता है फक बैटमैन और वहाँ से चला जाता है। तो डिक वहाँ से जाते जाते फक बैटमैन वाला डायलॉग बोलकर चला जाता है। और फिर अगले दिन डिक अपने काम पर जाने के लिए रेडी होता है, जहाँ पर वो अपने रॉबिन वाले सूट को सफा भी करता है, जिसके बाद जब वो अपने ऑफिस पहुँचता है तो उस ऑफिस में रॉबिन के ही चर्चे हो रहे थे क्योंकि काफी साल बाद रॉबिन रिटर्न आया था। तो उनके पास वीडियो फुटेज के अलावा दूसरा कोई क्लू है नहीं, इसलिए वो लोग क्लू ढूंढने में लग गए हैं। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं रेचल को जो सीधे बस पकड़कर पहुंच गई है डिट्रॉयट सिटी, लेकिन अब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची है, इसलिए वो एक चर्च जाती
जाती है बाकी लोगों की तरह खाना ढूंढने। उसके बाद उसकी मुलाकात वहाँ पर एक औरत से होती है जो उससे कहती है कि उसकी उम्र की लड़कियों को इस तरह रोड पर भटकना नहीं चाहिए और वो उसकी मदद करेगी ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। इसके ऑप्शन में वो औरत रेचल को कहती है वो उसके साथ चले ताकि वो उसे किसी सेफ जगह पर ले जाए। और उसके बाद रेचल खुद के डार्क रूप को देखती है एक आईने में जहाँ पर वो उससे कह रही होती है कि वो औरत उससे झूठ कह रही है और उसे वहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। और मौका देखकर रेचल वहाँ से भागी जाती है जहाँ पर उसे एक पुलिस की कार दिखती है और उस कार पर पत्थर मारकर रेचल खुद को पुलिस के हवाले करवा देती है। और वहाँ से वो सीधे पहुँच जाती है डिक के पास क्योंकि डिक अनाथ हुए बच्चों पर काफी अच्छी तरीके से ध्यान देता है। लेकिन डिक वहाँ पर जब पहुँचता है तो रेचल उसे सीधे ये कहती है कि वो उसे जानती है क्योंकि वो उसे अपने सपनों में देखती है एक सर्कस के दौरान। ये बात सुनकर डिक को काफी बड़ा झटका लगता है और वहीं पर रेचल उससे मदद भी मांगती है। लेकिन फिर ये सीन हटता है और हमें दिखाई जाती है एक और नई कैरेक्टर जिसका नाम है कोरियन। कोरियन एक ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है जिसके बारे में उसे खुद ही नहीं पता क्योंकि कार क्रैश हो गई है और कार का ड्राइवर मारा गया है। लेकिन अचानक से सामने से दूसरी कार आती है और वो कोरियन पर फायरिंग करने लगते हैं। इस सिचुएशन को देखकर कोरियन वहाँ पर उनसे बचकर निकल जाती है और पहुँचती है गैस स्टेशन पर। और वहाँ पर वो खुद को आईने में देखकर काफी कंफ्यूज है और ये पता लगा रही है कि असल में वो है कौन। जिसके बाद वो अपने पर्स में कुछ क्लूज ढूंढना शुरू करती है जहाँ पर उसे दो अलग अलग पासपोर्ट्स मिलते हैं जिसके बाद उसे उसका नाम कोरी पता चलता है और उसे उसके पर्स में एक होटल की की भी मिलती है। जिसके बाद वो सीधे निकल पड़ती है उस होटल की तलाश में जिसके बाद उसे वो होटल मिल जाता है। और होटल में पहुँचते ही होटल की एक स्टाफ कोरी को पहचान लेती है और कोरी उसकी मदद से ये पता लगाती है कि वो इस होटल में किस रूम में ठहरी थी क्योंकि स्टाफ की वो मेंबर उसे बताती है कि उसने टॉप का पूरा फ्लोर बुक किया था। लेकिन अब भी कोरी को कुछ याद नहीं है और वो अपने रूम की तरफ बढ़ती है। लेकिन उससे पहले वो स्टाफ की मेंबर को कि क्या ये की इस होटल की है पर उस होटल की स्टाफ उससे ये कहती है कि ये की इस होटल की नहीं है। खैर तो कोरी अब अपने होटल के रूम में पहुंच जाती है जहां पर वो काफी ढूंढती है जिसके बाद उसे कबर्ड में बंद एक इंसान मिलता है जो कोरी से काफी डर रहा होता है क्योंकि कोरी ने ही उसे पकड़कर वहां पर बंद किया था। लेकिन अब कोरी को जैसे कि मैंने बताया कुछ याद नहीं है इसलिए कोरी अब उस इंसान से ये पूछ रही है कि उसने उस इंसान को उस होटल की कबर्ड में क्यों बंद कर रखा है। पर वो शख्स कोरी को कुछ भी बताने के मूड में नहीं है और इस बीच वो इंसान खुद को छुड़ाने में कामयाब होता है जिसके बाद उन दोनों में थोड़ी सी फाइट होती है पर ऑब्वियसली कोरी वो फाइट जीत जाती है। जिसके बाद वो इंसान कोरी को इन्फॉर्मेशन देता है कि कोरी के मोबाइल में जिस इंसान का फोटो है उसका एक क्लब है और उस इंसान का नाम है कोवेर। इतनी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कोरी उस इंसान को वहीं पर मारकर चली जाती है। और फिर ये सीन हटता है और हमें दिखाया जाता है डिक और रेचल का सीन जहाँ पर रेचल अब भी डिक से मदद मांग रही है कि वो उसकी मदद करे सिचुएशन से निकलने में क्योंकि किसी शख्स ने उसकी माँ को मार दिया है और वो अब बिल्कुल अकेली है। ऐसे में उसके पास भरोसे करने वाला दूसरा और कोई शख्स नहीं है डिक के अलावा। और फिर डिक रेचल से ये कहता है कि वो अपना घर का एड्रेस नंबर सब कुछ दे दे उसे ताकि वो पता कर सके कि उसकी माँ के साथ असल में हुआ क्या है। और इसी बीच रेचल डिक के हाथ को छूती है और हमें दिखाया जाता है डिक का पास जहाँ पर डिक के माता पिता मर जाने के बाद डिक को सहारा ब्रूस वेन ने दिया था। और इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद डिक वहाँ से उठकर चला जाता है लेकिन रेचल उससे कहती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, वो उसे एक रूम में बंद कर दे क्योंकि वो सभी के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि रेचल का ऐसा मानना है कि उसके अंदर एक अजीब सी पावर है जिसे वो इविल कहती है। पर डिक के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए वो उसे उस रूम में छोड़कर वहाँ से चला जाता है और दूसरे ऑफिसर को ये काम देता है कि वो जाकर उसके घर पर चेक करे कि असल में उसकी माँ वहाँ पर सही सलामत है या नहीं। और उसी टाइम पर टीवी पर न्यूज चल रही होती है हमारे रॉबिन की जहाँ पर न्यूज वाले ये कह रहे होते हैं कि इस तरीके से लोगों को मारने की जिम्मेदारी अब रॉबिन और बैटमैन की नहीं है और उन लोगों को ये घिनौना काम बंद कर देना चाहिए। ये देखकर डिक ऑफिस से बाहर निकल जाता है और फिर उसकी पार्टनर एमी वहाँ पर आती है जो उससे पूछती है कि तुम्हारे और ब्रूस वेन के बीच क्या हुआ और तुमने क्यों गौतम सिटी छोड़ दी। जिसके बाद डिक उसे एक्सप्लेन करता है कि वो अपने रास्ते निकलना चाहता था और आज भी वो ब्रूस की रिस्पेक्ट करता है लेकिन कुछ टाइम पर चीजें ऐसी लग रही थी कि वो ब्रूस की तरह बनता जा रहा है इसलिए उसने ये डिसीजन लिया कि अब उसे अपने रास्ते चले जाना चाहिए। ये बात सुनकर एमी थोड़ा इम्प्रेस होती है डिक की तरफ और वहाँ से चली जाती है। फिर डिक को कॉल आता है उसी ऑफिसर का और वो उसे बताता है कि रेचल रॉथ की माँ को किसी ने गन शॉट से मार दिया है। ये सुनकर डिक थोड़ा हैरान हो जाता है और वापस से रेचल को देखने के लिए ऑफिस में जाता है जिसके बाद उसे नजर आता है कि रेचल अब वहाँ पर नहीं है और उसे कोई अलग ऑफिसर अपने साथ ले जा रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि वो इंसान भी रेचल को वहाँ से ले जाने के लिए ही आया था। लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और वो ऑफिसर रेचल को बेहोश करके उसे वहाँ से ले जाता है और ले जाते वक्त डिक रेचल को देख लेता है जिसके बाद वो उस कार का पीछा करता है। और ये सीन यहाँ से हटता है और हमें दिखाया जाता है
निकोरी उस क्लब की तरफ पहुंच गई है ताकि वो पता लगा सके कि वो है कौन और असल में वो किस मिशन पर निकली है। लेकिन जब कौरी उस शख्स के सामने पहुंचती है तो वो शख्स उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता था और रात साथ में बिताने के बाद उसे पता चला कि कौरी उसे धोखा दे रही थी सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए। लेकिन उस लड़की को कौरी नहीं पहचानती और वो नहीं जानती कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो शख्स इतनी बात सुनता है जिसके बाद वो सीधे गन निकालकर कौरी को शूट करता है और फिर हमें दिखाई जाती है वहाँ पर कौरी की पावर, जिसके बारे में सभी टाइटन फैंस को पता है कि कौरी असल में स्टार फायर है और उस पावर की मदद से कौरी उस कमरे में सभी चीज जला देती है, यहाँ तक के उन तीनों को भी, बिल्कुल तंदूरी चिकन की तरह। और हमें दिखाया जाता है कि असल में स्टार फायर किसी और लड़की को नहीं बल्कि रेचल को ही ढूंढ रही थी। और फिर ये सीन हटता है, हमें दिखाया जाता है कि रेचल अब उसी इंसान की कस्टडी में है जिसने उसकी माँ को मारा था और वो इंसान रेचल को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि रेचल दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि जो चीज रेचल के अंदर है वो चीज एक इविल है। इसलिए जल्द से जल्द रेचल को मारा नहीं गया तो चीजें काफी बिगड़ सकती है। लेकिन इस बीच वहाँ पर डिक पहुँच जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को बेहोश कर वो रेचल को पुकारता है, जिसके बाद वो अंदर खड़ा शख्स थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है और दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाता है रेचल के मुंह में कपड़ा डालकर। और रेचल इस सिचुएशन को झेल नहीं पाती है और बेहोश हो जाती है। और यही मौका होता है रेचल के अंदर जो चीज होती है जिसे टाइटन फैंस रेवन कहते हैं वो निकल कर बाहर आती है और रेचल डोर को क्लोज कर उस इंसान को अपने काबू में ले लेती है और सीधे उसके मुंह से उसके अंदर प्रवेश कर लेती है, जिसके बाद वो इंसान खून की उल्टियां कर वहीं पर मर जाता है और फिर दरवाजा खुलता है। इस बीच रेचल की वो अंदर की शक्ति रेवन वापस रेचल की बॉडी में चली जाती है और डिक जब अंदर आता है तो देखता है कि वो शख्स मर गया है और रेचल कुर्सी पर बंदी पड़ी है। ये चीज डिक को बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन इस बीच रेचल उससे मदद मांगती है, जिसके बाद डिक डिसाइड करता है कि वो लोग कहीं दूर जाएंगे ताकि वो लोग सेफ रहे। और फिर रेचल अपनी माँ को याद करते हुए ये कहती है कि उसकी माँ सोचती थी कि दुनिया में मॉन्स्टर जैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन अब रेचल को पता है कि वो चीजें बिल्कुल गलत है। और फिर ये सीन हटता है और हमें दिखाया जाता है एक मॉल, जिस मॉल के अंदर ग्रीन कलर का टाइगर है। उस टाइगर को देखकर गार्ड काफी डर जाता है और उस पर गन से फायर करता है और वो शेर वहाँ से एक्सबॉक्स की सीरीज चुराकर भाग जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में वो ग्रीन टाइगर और कोई नहीं बल्कि बीस्ट है, जो काफी खुश है नए गेम्स को पाकर। खैर, यहाँ पर ये एपिसोड होता है खत्म और हमें काफी कंफ्यूज कर चला जाता है, क्योंकि काफी सारे सवालों के जवाब हमें इस एपिसोड में तो नहीं मिले। यानी लगभग एक घंटे के आसपास का ये एपिसोड हमें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज ही करता है कि स्टार फायर की याददाश्त क्यों चली गई है और रेचल को कुछ लोग मारना क्यों चाहते हैं और यहाँ तक कि स्टार फायर रेचल को ढूंढ क्यों रही है और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि डिक ने ब्रूस को क्यों छोड़ा। तो मुझे लगता है आगे चलकर हमें इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वेट कीजिए मेरी अगली वीडियो का, जिसमें मैं आपको इसके सेकेंड एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इस एपिसोड को काफी आराम से एंजॉय कर सके। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।